वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज हम फिर जा रहे हैं रोपा। आज है हमारे को झूला लगाने को न्यूली में। फिलहाल उसका सामान लाना है रोपा से, रोपा टू न्यूली। और आज मुझे सब मेरा दोस्त भी होगा मनीष, काफ़ी और भी लोग होंगे, पर उनसे वहाँ पर मतलब नहीं। तो फिलहाल चलते हैं। मैं पहले लेट हो चुका हूँ, 9 बजे बोलता हूँ और अभी टाइम हो चुका है 8:49। और एक बार रास्ता पता ही कैसा है, तो यहाँ से तो 20 मिनट में तो मैं पहुँच नहीं सकता न्यूली, कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। तो वेट करते हैं और चलते आगे, तब तक आप बने रहे वीडियो में। तो गाइस काफ़ी स्पीड में चलते चलते अभी तो बहुत टाइम है, तो फिर भी हम लोग रगड़े में चल ही रहे हैं। हम क्या मैं यूँ फिलहाल तो कुछ देर में हम हो जाएंगे। फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ दित्य के पेड़ के पास, चलो आप आगे से व्यू कराते हैं। वैसे ही हमारे शामिल मंदिर, जहाँ पे जब भी मैं यहाँ आता हूँ रोज ही माथा टेक के जाता हूँ। मिलता आगे थोड़ी देर आके जाता हूँ उन्हीं के पास या डीफी के पास, जो आपने पिछले कल वाले ब्लॉग में देखी होगी। न्यूली मिट्टी फिर लगी है और आज झूले की तैयारी शुरू हो गई है, वहाँ पर मिलते हैं क्योंकि फोन तो मिलते हैं आपको वहाँ पर ही। तब तक के लिए देखते रहो आप बस। चलो फंसने में मैं बोल रहा था आपको, आपने बोला मेरे को उसे बढ़िया। तो गाइस मैं पहुंच चुका अपने घर के सामने, वो मेरे घर की हाल देखो, कल भी दिखाया था मैंने और आज भी। कौन नमूने बाहर है अंकुश और नमूने दिख रहा को हल्के हल्के मेरे घर के साइड में बैठे हैं अंकुश और विनीत। तो यहाँ पे टू टाइम आ रहा रास्ता जो मैंने आपको अपने घर दिखाया था, और पर देखो बादल ही फट गया है। फिलहाल चलते हैं अब यहाँ से नीचे, और मेरे साथ है आज मनीष, आप लोग मनीष को जानते। अच्छा तूने और फिर कितना टाइम लगाया पीछे? तो गाइस ऊपर चला देखो पोल का काम, दो बंदे ऊपर लटके हुए। मनीष पांडे भाई, यहाँ से हमारा रास्ता टूटा है बिल्कुल ही खत्म। ये भैया यहीं से नीचे देखो बंदे चल रहे पोल का काम लेके। चल आगे चल 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 तू। फिलहाल जा रहे हम लोग झूले के काम के लिए रोपा, सामान लाएंगे वहाँ से, हम न्यूली को चाहते हैं इसी पॉइंट से। ऊपर देख सकते आप कितना पीछे लगे अभी। क्या हुआ क्या लगा ये? अच्छा पार लग रहा है एक पोल। तो गाइस यहाँ से निकल रहा है रोड, यहाँ से टूट गया था सारा ही देखो, हल्का हल्का बचा अभी, निकल जाए कुछ टाइम में यहाँ रोड। अरे मैं बोल रहा था तेरे को, तूने मेरे को बताया है। तो गाइस यहाँ चला है पोल का काम यहाँ पर भी, और आगे तो कितना बड़ा पहाड़ गिरा है, शंगड़ का रोड है। देखो रोड कहाँ से निकला बिल्कुल मैं नदी के टच में। ये हमारे रमन का होम स्टे, जिसके आगे पीछे से ही नदी आगी पर फिर भी बच गया है। यहाँ देखो बंदी वाले लोग, अरे कुछ लोग बंदियों से बातें करते करते चले हुए हैं। शिवम डॉन नंगा हो गया तो आजकल, क्यों नंगा क्यों हो गया, नंगा क्यों हो गया? क्या ठीक है वो शिवम भाऊ है?
ये कहाँ से आए यहाँ? इन बोरी के अंदर थे। पैसा ही पैसा। कितनी बोला इन्होंने भाई? ये लेनी मैं इतनी भाई भाई। तो गाइज आज हम फिर से लेट हो गए और फिर मैं आज सोलर के नीचे बैठा हूँ, जिसकी वजह आज फिर अंधेरा लग रहा होगा आपको। आज के ब्लॉग में कुछ खास नहीं था, बस हमें सामान लाना था और पूरा दिन कट गया मेरा। मतलब कि आज बैटरी नहीं थी, जिसको मैं ब्लॉग नहीं ना पाया और दिन ऐसे कट गया। फिलहाल अब कल के लिए तैयार होते हैं। कल शायद फिर हम रोपा जाए, फिर वही एक 80 किलो की गार्डन चक के लाए। आज मैं काफ़ी थक भी गया था तो चक नहीं पाया, और उसके बाद वॉलीबॉल खेल के ज़्यादा टायर्ड हो गए। फिर कुछ मूड ही नहीं बना ब्लॉग बनाने का। मैं अंधेरे अंधेरे में अब भी घर पहुंचा, बिना बैटरी के ही चला हुआ था मैं ऐसे अंधेरे में। फिर क्या करे, आज के ब्लॉग कुछ खास नहीं था। चले मिलते हैं अब आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।